नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेणुका और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे जैसे हमारी लाइफस्टाइल चेंज होती गई, हमारे खाना पीना हमारा चेंज होता गया, वैसे वैसे हमें आहार नाल से संबंधित समस्याएं होने लगी, बीमारी होने लगी और यह समस्याएं धीरे धीरे और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। इन्हीं प्रॉब्लम में से कुछ मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, जैसे कि पाइल्स है, फिशर्स है और फिस्टुला है। एक्चुअली इन तीनों के सिम्टम्स इतने कॉमन होते हैं कि पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है कि उस वह किस बीमारी से परेशान है या ग्रसित है। तो आज हम ये समझेंगे कि इसके कॉमन सिम्टम्स इन तीनों के क्या क्या होते हैं और ऐसे कौन से मार्क्ड सिम्टम होते हैं जो तीनों बीमारियों को हम अलग अलग समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें नंबर वन पे है पाइल्स या बवासीर। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि एनस या रेक्टम के अंदर वाले हिस्से में जो वेन होती हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं या सूज जाती हैं, जिसके कारण पेशेंट को डिस्कम्फर्ट होता है, वहाँ स्वेलिंग आ जाती है, पेशेंट को पेन होने लगता है और ब्लीडिंग भी मिलती है। लेकिन इस पेशेंट के जो कारण हैं वो ये होते हैं कि पेशेंट को यदि बहुत लॉन्ग टाइम तक कॉन्स्टिपेशन बना हुआ है या बहुत मोटापा है या प्रेगनेंसी के कारण यदि स्टूल पास करने में उसको बहुत स्ट्रेन पड़ रहा है तो एनल रीजन में प्रेशर पड़ता है और प्रेशर पड़ने के कारण वहाँ के जो वेन्स होती हैं वो सूज जाती हैं और पेशेंट को पाइल्स की समस्या हो जाती है। ये पाइल्स इंटरनल पाइल्स भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल पाइल्स भी हो सकते हैं। यदि अब मैं पाइल्स के सिम्टम्स की बात करूं तो इसमें पेशेंट को क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन होता है, उसको स्टूल पास करने में एनल रीजन में बहुत ज़्यादा पेन होता है और उसको बैठने में भी तकलीफ़ होती है और कभी कभी जलन और दर्द इतना बढ़ जाता है कि मोशन पास करने के बहुत देर बाद तक उसको दर्द बना रहता है। उसको ब्लीडिंग पाइल्स भी हो सकते हैं, नॉन ब्लीडिंग पाइल्स भी हो सकते हैं। इसमें नंबर टू पर आता है एनल फिशर। यह कंडीशन में क्या होता है कि पेशेंट को अंदर एनल म्यूकोसा के अंदर कोई कट लग जाता है या कोई टीयर हो जाता है, इसे हम फिशर कहते हैं। इसमें जब पेशेंट को बहुत हार्ड स्टूल के कारण या किसी और प्रेशर लगने के कारण जब उसको एनल रिंग में या एनल म्यूकोसा में कट लग जाता है तो वहाँ उसको ब्लीडिंग होती है और उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है। यदि अब मैं इसके सिम्टम्स की बात करूं तो इसके बहुत सारे सिम्टम्स हम पाइल्स से कॉमन होते हैं, लेकिन इसमें एक कट लगा हुआ होता है जिसे हम फिशर कहते हैं। उसके कारण हर पेन की और हर सिम्टम की इंटेंसिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। पेशेंट को बहुत ज़्यादा जलन होती है और कभी कभी उस कट से उसको फ्रेश ब्लड भी ड्रॉप बाय ड्रॉप स्टूल के साथ पास होता है। मीन्स आप ये समझिए कि पाइल से यदि मैं कंपैरेटिवली देखूँ तो इसके पेन की, इसके जलन की, इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। अब हम बात करेंगे एनल फिशुला या भगंदर की। इसमें क्या होता है, पेशेंट को एनस के अराउंड उसको एक एब्सेस कैविटी हो जाती है जो एक ट्यूब या टनल के माध्यम से स्किन पे ओपन होती है, इसे हम एनल फिशुला बोलते हैं। और इसमें इसके जो मेन रीज़न होते हैं वो उसको एनस के अराउंड यदि उसको क्लॉग्ड एनल ग्लैंड हो गया है, मतलब कोई एनल की जो ग्लैंड है वो स्टॉप हो गई, उसके कान वहाँ पर्स पड़ गया है या कोई एब्सेस ही हो गया है, उसके कान उसको एनल फिशुला की प्रॉब्लम हो जाती है। यदि अब मैं इसके सिम्टम्स की बात करूं तो दोस्तों इसके सिम्टम्स भी बहुत कुछ पाइल्स की तरह होते हैं, लेकिन इसमें एब्सेस होने के कारण पेशेंट को पेन की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और जो कैरेक्टर होता है वो थ्रॉबिंग लाइक होता है, क्योंकि अंदर पस बना हुआ है इसलिए उसको थ्रॉबिंग लाइक उसको वहाँ पेन फील होगा और इन्फेक्शन होने के कारण उसको हाई ग्रेड फीवर भी आ सकता है। इसका एक सिम्टम पाइल्स से और अलग होता है क्योंकि इसमें एब्सेस है, इसलिए पेशेंट को स्टूल के साथ या अलग से भी उसको डार्क कलर का ब्लड या पस निकल सकता है जिसमें बहुत ही गंदा फॉल स्मेल उसको उस डिस्चार्ज से फील होता है। यहाँ पर अब हम इसके होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करेंगे। दोस्तों, होम्योपैथिक सिमिलिया सिमिलिबस कुदंटर के प्रिंसिपल पे काम करती हैं। इसका मतलब ये होता है कि बीमारी के जैसे सिम्टम्स होते हैं उसके सिम्टम्स से मेडिसिन के सिम्टम्स मैच किए जाते हैं और मेडिसिन दी जाती है। इसलिए होम्योपैथी में कई मेडिसिन ऐसी हैं जो इन तीनों ही कंडीशंस पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती हैं। इसमें नंबर वन पर मेडिसिन है साइलिशिया।
यह मेडिसिन हम फिशर, फिशुला और पाइस तीनों केस में दे सकते हैं और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। लेकिन मेन आपको ये ध्यान रखना है कि जब कॉन्स्टिपेशन के कारण किसी पेशेंट को पाइल्स की समस्या हो गई है और उसको बहुत हार्ड स्टूल हो रहा है या स्टूल पास ही नहीं होता है, उसके कारण उसको एनल रिंग में बहुत प्रेशर लगाना पड़ता है जिसके कारण उसको पाइल्स की समस्या हो जाती है, और इस हार्ड स्टूल के कारण धीरे धीरे कभी वहाँ कट भी लग जाता है तो इसको हम फिशर बोलेंगे, और बाद में ये कॉम्प्लिकेटेड होके वहाँ एब्सेस फॉर्म कर लेता है और पेशेंट को एब्सेस की कंडीशन हो जाती है या फिशुला की कंडीशन हो जाती है। इस तरह से साइलिशिया फिशर, फिशुला और पाइस तीनों के केस में बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। इस कड़ी में नंबर टू मेडिसिन है नाइट्रिक एसिड। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब पेशेंट को बहुत हार्ड स्टूल होता है, हाँ लेकिन उसको थोड़ा स्टूल पास हो जाता है, लेकिन इतना टाइट स्टूल होता है उसके कारण उसको एनल रिंग पे कट लग जाता है जिसे हम फिशर बोलते हैं, और यदि इस फिशर का ट्रीटमेंट नहीं किया गया, उसे अवॉइड किया गया, तो वो फिशुला फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और पेशेंट को वहाँ बहुत ही ज़्यादा कटिंग पेन होता है और कभी कभी उसको फ्रेश ब्लड की ड्रॉप भी गिरती हुई महसूस होती है। इस कड़ी में तीसरी मेडिसिन है पायोनिया। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब एक्चुअली यह मेडिसिन भी तीनों ही कंडीशन में अच्छा काम करती है, लेकिन फिर भी इसके कुछ मार्क सिम्टम ये होते हैं कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा बाइटिंग, एकदम कटिंग और बाइटिंग सेंसेशन उसको फील होता है क्योंकि वो उसके भी एनल रिंग में कट लगा हुआ होता है, और यदि ये फिशुला में कन्वर्ट हो गया तो उसके जो डिस्चार्जेस निकलते हैं उसमें बहुत फॉल स्मेल होता है। इस कड़ी में लास्ट मेडिसिन है रेटेनिया। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब पेशेंट को ऐसा फील होता है कि उसका एनल रिंग में उसके ब्रोकन ग्लास भर दिए, इतना चुभता हुआ सा पेशेंट को दर्द होता है, और इसमें पेशेंट को एक्सटर्नल पाइस भी देखने को मिलते हैं, साथ में उसको ब्लीडिंग भी कभी कभी हो सकती है, और ये बर्निंग जो होती है इसको बहुत टाइम तक उसको फील होती रहती है आफ्टर स्टूल पास करने के बाद भी, और यह जब कंप्लेंट बढ़ जाती है तो वही फिशुला में कन्वर्ट हो जाएगी और उसके डिस्चार्जेस में उसको पस भी निकलेगा और फाउल स्मेल डिस्चार्ज भी पास होता है। दोस्तों यदि आपको मेरा यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आपके पाइल्स के, फिशुला के और फिशर्स की प्रॉब्लम को कंपेरेटिवली समझने में, उसको ट्रीट करने में हेल्प मिली हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, माय चैनल। थैंक यू।